मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मिशन राव चैन ऑफ लेक्चर। शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। और आज हम जा रहे हैं सुबह संजय नेशनल गांधी पार्क, जो हमारा पहले जाया करते थे जब हम उस साइड रहते थे मॉर्निंग टाइम में। तो हमने सोचा उधर जाते हैं आज। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था मैं अपनी गाड़ी का एक वीडियो बनाऊंगा 1 ईयर वाला, तो वो एक एक्सपेरिमेंट वहाँ करना है। प्लस साथ के साथ हमारी वॉक भी हो जाएगी, बहुत दिनों से हम गए नहीं थे। और जो मुंबई नहीं रहते उनको संजय गांधी नेशनल पार्क भी दिखा देंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आधा घंटा 1 घंटा लगेगा हमको पहुँचने में। पहुँच के फिर 10 बजे तक हम लोग वापस भी आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मिशन राव चैन ऑफ लाइफ। जैसे मैंने बोला था हम जा रहे हैं संजय गांधी गांधी पार्क, जहाँ पे हम गाड़ी का 1 ईयर का रिव्यू देंगे। एक डिफरेंट तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है, तो चलिए हम देखिए। जिसका मुझे डर था वही हुआ। गूगल में जाम नहीं दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे जाम दिखा रहा सड़क पे। लेट्स सी कितनी देर का है। ज़्यादा देर होगा तो आगे से टर्न लेके आ जाएंगे वापस, फिर प्लान चेंज। देखो कितने बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं जाम में। सुबह सुबह का हाल है, बताइए सुबह सुबह। चलिए अभी खुल गया जाम और अभी हम पहुंच जाएंगे 20-22 मिनट में। जाम किस बात का था ये पता नहीं चला। जो लग रहा था कि गाड़ियाँ स्लो लंबे लंबे ट्रॉलर चल रहे थे, उसकी वजह से ही होगा। तो हम लोग बोरीवली तो पहुँच गए, लेकिन पूरा चेंज हो गया। अभी गाड़ी अंदर अलाउड नहीं है, हमें यहीं पर पार्किंग पर लगानी पड़ेगी। तो क्या करें, गाड़ी का यहीं पहले रिकॉर्ड कर ले फटाफट, फिर चले ऊपर हैं। तो हम सोच रहे हैं गाड़ी का यहीं पे आए हुए हैं तो पूरा यहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलो अभी डिसाइड करते हैं कहाँ करना है, बाद में देखते हैं क्या हो सकता है। रखना है 1 मिनट, अभी पार्किंग पूरा डेवलप हो गया है। अभी पहले हम जब थे उस टाइम पे तो पार्क पहले आते थे तो पार्किंग ये बन रही थी, अब ये पूरी पार्किंग बन गई है यहाँ पे। हाँ, ये हमारा अंदर घुसने का एंट्री है भाई। तो चलिए इसी को एक्सप्लोर कर लेते हैं जैसे है। सो अभी हमारे लिए एक्सप्लोर करना है कि नया नया क्या क्या बना है। एकदम धूप भी सामने है, अच्छी लग रही है और ठंडा भी है यहाँ पे, क्योंकि सारा ऑक्सीजन सेंटर एक्चुअली यहाँ पे पेड़ ही पेड़। ये है इंटरप्रिटेशन सेंटर, इसमें हम लोग आते थे बहुत सुबह 6 बजे 5:30-6 बजे वॉक करने के लिए। और पूरा कम से कम नहीं तो 8 किलोमीटर एक साइड कर देते। ये सीधे रोड जो जा रही है सीधे जाएगी कानेरी केव्स, और ये यहाँ से मुड़ जाती है आपकी बोट्स वगैरह और अदर चीज़ों के लिए। फ्री ऑफ व्हीकल प्रोहिबिटेड, पूरा ये बन गया नया, ये भी नहीं था पहले। गार्डन था यहाँ पे, एक बार मैंने अपना एक संडे का वीडियो भी बनाया था। ये नौका विहार है, यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल में 9 बजे के बाद स्टार्ट होगा। ये ब्रिज है पूरा इसके ऊपर है। हाँ, ये क्या बोलते हैं इनको, लटक के जा सकते हैं इसमें, ये भी बना दिए। ये हम जा रहे हैं अभी ट्रैकिंग के लिए। यहाँ पे ये ट्रेन चलती है इन साइड में, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये पहाड़ चढ़े इतने समय के बाद। चढ़ पाते ये अभी, लेट्स सी। ऊंचा पहाड़ है और सनराइज पॉइंट पे हम जा रहे हैं। क्या टीना हो जाएगा है? ये भी बन गया वैसे। महाराष्ट्र राज पक्षी क्या नाम है? येलो फुटेड ग्रीन पिजन। अब ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ आ गई कम गैप वाली यहाँ तक। ये जंगल देख के हमको अपने उत्तराखंड की याद आ जाती है। पूरा जंगल ही जंगल, और जंगल के बीच में से हम लोग जा रहे हैं ऊपर पहाड़ की साइड। टू टेक द रेस्ट, ओके गुड। बैठने के लिए रेस्ट के लिए भी बनाइए। देखिए पेड़ भी गिर गया। महाराष्ट्र राज्य वृक्ष मैंगो, मराठी नेम आंबा। हम अपनी मंजिल ये वाली तो पहुँच ही रहे।
और दूसरी मंजिल वो साइड है, वो भी बिना रुके टुके बिना पानी की बॉटल आए यहाँ तक आ गए। तो एक तो ऊपर पानी वानी तो हो गई, फाइनली कर चुके हैं। टीना हमारी कैमरा मैन है, कभी कभी सीख रही है, अभी ट्रेनिंग ले रही है। ये पूरा बना दिया एंड फाइनली बिना रुके वी हैव रीच्ड टू आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन। और ये बाई रोड आने का है। हाँ, ये यहाँ से हम थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे सनराइज होता है। टीना ने क्या डायलॉग मारा। मैं कहा हम लोग बिना रिकॉर्ड के चढ़ गए पहाड़ में, तो टीना कहती है पहाड़ी पहाड़ से डरेगा तो फिर क्या बात है, हम पहाड़ी हैं। बट मज़ा आ गया बॉस, कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंस लेना चाहिए। हम लोग पहुँच चुके हैं सनराइज पॉइंट पर, और यहाँ सुबह सुबह बहुत भीड़ होती है, अभी दिन में लोग आएंगे तो अलग से भीड़ होगी। और ये मेडिटेशन, या हम लोग मेडिटेशन योगा वगैरह करते हैं, कुछ तो नाम है पता चलेगा। पहले आपको सनराइज पॉइंट दिखाते हैं। अभी सनराइज हो गया, ये एक्चुअली सामने सनराइज होता है। ये देखो बेबी शार्क से यहाँ पे एकदम ब्लैक वेलवेट ब्लैक होता है ना कलर, वैसे दिखती है। ये ऑरेंज, वो वाइट जा रही है दो, और इसमें ऑरेंज वाइट, दो वाइट भी। तो थोड़ा विटामिन डी भी ले लेते, अभी इतनी ऊंचाई तक हम मेहनत करके आए तो थोड़ा विटामिन तो लेना पड़ता है। फोटो आ रहा है ठीक, देख मस्त, ये अपोजिट है हम सन के, एकदम धूप बहुत ज़्यादा आ रही है ऐसे में। सो हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि इस साइड आएंगे, लेकिन फाइनली आज आए, लेकिन गाड़ी अलाउड नहीं है। कोई बात नहीं, बस बस का मज़ा लेते हुए जाएंगे ऊपर की साइड, देखते कानारी केव जाते हैं कि नहीं जाते। क्या मस्त फोटो आ रहा है, देख है क्या दिख रहा, फल कहाँ है, अजीब नहीं है कुछ, कौन सा, अच्छा हाँ अजीब है ना, कुछ डिफरेंट है, ऐसे किरणें नहीं निकलती सूरज की। कि हम लोग कोशिश कर रहे कि हम कानेरी केव जाए, लेकिन हम इधर से उतर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर बस मिल गई तो ठीक है, अगर स्टेशन पे मिलेगी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। बट बैटरी ऑपरेटेड कार भी है, हाँ। तो उससे भी जा सकते हैं। हम अकेले ही घूम रहे हैं भाई, ये जंगल में देख सकते हो आप पूरा का पूरा जंगल अकेले। और सुबह सुबह आओ तो लोग वॉक करते मिल जाते हैं, बट अभी इक्का दुक्का लोग भी नहीं दिख रहे। पेड़ वगैरह काफ़ी गिर गए क्योंकि जड़ें भी कच्ची हो गई ना, के उठना इसी को कहते हैं। पेड़ के ऊपर देखो फिर पेड़ उड़ गए, उग गए सॉरी। हम संडे वीडियो का लोकेशन ढूंढ रहे कि कहाँ पे बनाया जाए। ऊपर अच्छा था उस टाइम, ध्यान आया नहीं, अब हम नीचे आ गए। और इधर ट्रैफिक की और इसकी काफ़ी आवाज़ें आ रही है, देखते एक रास्ता ऊपर जाने का। अभी गेट लगा रखा है गाड़ी के लिए, तो व्हीकल के लिए हम जा रहे हैं कि कहाँ पर खड़ी होगी व्हीकल, क्योंकि बस गाड़ी हमारे पास है नहीं। ओ भाई ठीक आ गई, साइकिल हमारे पास है नहीं, तो नीचे जाके देखते हैं, अगर मिल जाती तो हम चले जाएंगे ऊपर।